ऐसा क्यों होता है कि हम छोटी सी छोटी चीजें करने के लिए बहुत आलस करते हैं? इट्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स और उनका ब्रेन इस तरीके से डिजाइन है कि हमारा ब्रेन हमें उन चीजों को करने से रोकता है जिन्हें करने से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, डरते हैं, या जो करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। जैसे पढ़ना डिफिकल्ट लगता है तो किताब उठाने में जोर आता है, बट टीवी देखना ईजी है तो उसे हम मजे से करते हैं। कुछ भी नया करने से पहले हम हिचकिचाते हैं, खुद पर डाउट करते हैं। अब आम जिंदगी में ही देखा जाए तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने से हिचकिचाते हैं। ये हिचकिचाहट आपके ब्रेन को स्ट्रेस सिग्नल्स भेजती है एंड फिर ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने लगता है कि अरे यार चुप रहे, हो सकता है तेरा आइडिया अच्छा नहीं है एंड सब तुझ पे हंसेंगे। ब्रेन आपके साथ ट्रिक्स खेलने लगता है एंड उनमें से एक ट्रिक है स्पॉटलाइट इफेक्ट। इस मेथड के थ्रू ब्रेन आपको उस चीज को ना करने के 100 कारण बताता है, उसके प्रति रिस्क मैग्निफाई करता है। ब्रेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उसका बेसिक फंक्शन है कि वो आपको प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस से प्रोटेक्ट करे। बट किसी भी चेंज के लिए, कुछ भी नया ट्राई करने के लिए, या वो सब कुछ करने के लिए जो आप अपनी लाइफ, अपने काम, अपने ड्रीम्स के लिए करना चाहते हैं, आपको वही चीजें करनी होंगी जो डिफिकल्ट है, जो रिस्की है एंड जो अनकंफर्टेबल है। एक और चीज है जिसे नॉलेज एक्शन गैप कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हमें नॉलेज है कि हमें करना क्या है बट हम उस चीज को कर नहीं पाते। आपको असाइनमेंट फिनिश करना है बट आप आलस करते हो या उस काम को सीरियसली नहीं लेते। 2 दिन जमकर पढ़ाई की और उसके बाद छोड़ो ना यार। सो हमारे पास ये नॉलेज है, ये अवेयरनेस है कि हमें ये काम करना है बट कभी हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाते तो कभी उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो हाउ टू बीट दिस, इस लेजीनेस को कैसे डिफीट करें? यूज द 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड्स के लिए कॉन्शियस हो जाओ एंड उसी वक्त डिसाइड करो कि नहीं मैं ये करूंगा। ये एक रॉकेट लॉन्च जैसा है, 5 4 3 2 1 गो। फिर ना करने का सवाल ही नहीं है, बस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टाइम पे उठना है, जैसे अलार्म बजे और आपकी नींद खुले से 5 4 3 2 1 गो एंड एक बार में उठ जाओ। खुद को सोचने का मौका ही मत दो एंड जस्ट डू इट। हर इंसान के पास 5 सेकंड्स का विंडो होता है। अगर आपने उस बीच अपना डिसीजन नहीं लिया तो आपका ब्रेन आपके साथ फिर ट्रिक्स खेलने लगेगा। अरे यार 15 मिनट और सो जा, इट्स ओके। पूरे दिन आपके साथ इस तरह के मोमेंट्स होंगे जहां आपको डिसाइड करना होगा, इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपके पास 5 सेकंड्स है कि आप अपने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करें एंड ऐसे ही उस एक्शन को एक हैबिट में कन्वर्ट करें जिससे आप रोज सुबह टाइम पे उठ सके, रोज वर्कआउट करें, रोज मेहनत करें, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, द एंटायर वीक। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन रूल है। 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस चीज को डिस्कवर किया है एंड रिकग्नाइज किया है। इस रूल के जरिए कई लोगों ने खुद को सुसाइड करने से रोका है। दिस इज द पावर ऑफ अ 5 सेकंड डिसीजन।